मादे पोलियो मुहिम के तहत जिला जेहलम की चारों तहसीलों में 5 साल तक के उम्र के बच्चों को पोलियो के खिलाफ हिफाजती कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जेहलम राव परवेज अख्तर ने हदायत जारी की। पोलियो टीम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा पोलियो वैक्सीन इनकार करने वाले वालदैन के बच्चों को उसी दिन असिस्टेंट कमिश्नर की मदद से पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सीईओ हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल ने सच न्यूज से बात करते हुए कहा कि बच्चे मौजूद होंगे, उन सबको पोलियो से बचाव की वैक्सीन जो है वो उनको पिलाएंगे ताकि उनको पोलियो से महफूज बनाया जा सके। इसके लिए जो हमने इंतजाम किए हैं, हमारा जो रफली टारगेट है वो 191,068 बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारा लॉजिस्टिक का टारगेट है। एक्चुअल टारगेट हमारा हर वो बच्चा जिसकी उम्र 5 साल तक है वो जिला जेलम में मौजूद है उसको हम वैक्सीनेट करेंगे। टीमें इसके लिए हमने तश्कील दी हैं, मोबाइल जो घर घर जाएंगी वो 535 हैं, 24 हमारे ट्रांजिट पॉइंट हैं जो बसों वैगनों के अड्डों रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पे वो वहाँ रोक रोक के जिन बच्चे सफ़र कर रहे होंगे उनको कतरे पिलाएंगी। 74 हमारी फिक्स साइट्स हैं जहाँ पे उनकी टीमें जो बैठेंगी और जो बच्चे सेंटर पे विजिट करेंगे उनको कतरे पिलाएंगे। मार्च से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए जिला जेहलम में 56 यूनियन काउंसिलों में 5 साल से कम उम्र 191,068 बच्चों को कतरे पिलाने के लिए 535 फील्ड टीम्स तश्कील दी गई हैं। 14 फिक्स टीम्स और 24 ट्रांजिट टीम्स काम करेंगी। इन टीमों को मॉनिटर करने के लिए 126 एरिया इंचार्ज और 26 यूनियन काउंसिल इंचार्ज काम करेंगे। हसनैन अली राजपूत, जेहलम टूडे।